हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीथिंग बायो। लास्ट वीडियो में हम लोग लिविंग वर्ल्ड के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इफ़ यू हैवन चेक्ड आउट दैट वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट। वो फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो शुरू करते हैं। और आपको बता देना है कि पहले हम लोग, मतलब मैं इस वीडियो में जो 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 ये सीरीज़ चल रही है यहाँ पे एनसीईआरटी को ही सिर्फ वर्ड टू वर्ड कवर करूँगी, ठीक है। एनीथिंग अदर नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड हियर, ओनली एनसीईआरटी फोकस चाहिए। और इसके बाद भी मैं और लेक्चर्स लाऊंगी जहाँ पे यू नो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, और मतलब एनसीईआरटी में कुछ चीज़ ऐसी होती है कि उसके बारे में थोड़ा सा बताया दिया जाता है लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो मैं यहाँ पे बस एनसीईआरटी तक ही सीमित रख रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगा वहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में और लेके जाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे को होता है कि बस एनसीईआरटी ही रिवाइज़ करनी है, तो इसीलिए एग्ज़ाम के पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बस एनसीईआरटी ही फोकस्ड रहेगा, इसके बाद में हम लोग नीट बेस्ड, मतलब ये तो ऑब्वियसली नीट बेस्ड ही है, लेकिन इसके बाद में हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ मूव ऑन टू द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू, है ना। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट एंड दिस इज़ वेरी कॉमन स्टेटमेंट कि हम लोग आसपास में जो भी देखते हैं, ठीक है, और इस यहाँ मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लिविंग चीज़ भी देखते हैं, राइट। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखते हैं क्योंकि हर वो चीज़ हम लोग जो देखते हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके हायरार्की क्या है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, the range and the variety of the organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. Each different kind of plants, animals or organisms that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। तो जितने सारे नोन और डिस्क्राइब्ड रेंज है स्पीसीज़ के, वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बींग आइडेंटिफाइड। तो जैसे जैसे हम लोग एरिया इंक्रीज़ करते हैं, इस पैसेज का यही मतलब है कि तुम आसपास बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हो ऑलरेडी, और जैसे जैसे हम लोग बहुत यू नो रेंज हम लोगों की इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि तुम पहले घर में देख रहे हो कि आसपास कौन है, ठीक है, घर के कुछ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, आपके मम्मी पापा और बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो है, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर लिविंग, राइट। इसके बाद जैसे आप अपने इलाके में जाते हो तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ देखेंगे, कई किस्म की बहुत ज़्यादा लिविंग चीज़ देखेगी। अब अगर आपके घर में पेट है तो वो भी आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट। तो मतलब दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी लाइक आप वो एज क्रॉस कर चुके हैं कि इतना ज़्यादा समझाना नहीं है, राइट। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably we would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. देखो, नॉर्मल जो प्याज होता है, ठीक है,
कोई प्याज बोलते हैं बंगाली में उसको प्याज बोलता है, ठीक है, इंग्लिश में अनियन होता है, और कोई कोई उसको कांदा भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इलाके के ऊपर भी डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप्स के मतलब जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के बेसिस में एक एक चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भाषा या तो फिर ऐसा कुछ वर्ड होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो तुम भी समझो। ऐसे करके पर्टिकुलर कुछ स्पीसीज को हम लोग टैग करना चाहते हैं। हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज प्रोसेस दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ऐसे करके इसको नामकरण किया जाता है कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग इसी नाम से पुकारेंगे और ये जो नाम होगा वो पूरे दुनिया भर में लोग इसको इससे पहचान जाएंगे, ठीक है, इस नाम से पहचान जाएंगे, तो इसको नामकरण बोलते हैं। और यहाँ पे साइंटिफिक वे में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज नॉट ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजियर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये है जहाँ पे प्लांट के कुछ मतलब प्लांट को नेम करने के लिए अलग एक कोड यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे बस प्लांट्स का ही एक वेरिएशन को रखा गया है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN है, वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स के नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिस्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो तरीके, मतलब दो वर्ड से बना हुआ रहता है, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा कंपोनेंट क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि आपका एक नाम है और एक सरनेम है, ठीक है, सरनेम जो क्या होता है पूरे वंश वो चलता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दादाजी का भी था, उनके परदादाजी की भी था, ठीक है, तो आपके भी है, आपके बच्चों का भी होगा, राइट। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है एक वंश लेके, तो वैसे करके इनका भी दो होता है, एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, एक जीनस को डिफाइन करता है और एक स्पीसीज को डिफाइन करता है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन बाय मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट्स बायनोमियल नेम, इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीसीज। मतलब ये जो मैंजीफेरा है दिस इज द जीनस और ये इंडिका इज द स्पीसीज, राइट। अब यहाँ पे चार पॉइंट्स लिखा गया है कि कैसे हम लोग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे क्या क्या रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं फॉर दिस नोमेनक्लेचर पर्पस। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ठीक है,
हमेशा लैटिन में होनी चाहिए, रिटेन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो वो प्लांट कहाँ का है या तो फिर एनिमल कहाँ का है ये फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा यही चीज़ फॉलो करेगा कि लैटिन में ही मतलब होगा उसका नाम और उनको इटैलिक्स में ही लिखा जाएगा. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये हमने देखा कि जो मैंजीफेरा है दिस इज़ द जीनस एंड जो इंडिका है दिस इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी बोले हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट होता है और उसके पहले जो मैंजीफेरा है दैट इज़ द जीनस. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम वेर हैंड रिटन वेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड. ठीक है. यहाँ पे तो हम लोग अंडरलाइन इसको नहीं कर रहे हैं, मतलब बुक में नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रिंटेड होगा प्रिंटेड में उसको इटलिक्स में लिखना है और जब हम लोग हैंड रिटन करेंगे उसको तब अंडरलाइन करना है लिखने के बाद. और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका. तो इंडिका के आई को देखो तुम, ये स्मॉल है, और मैंजीफेरा को एम, मैंजीफेरा का एम को देखो, दिस इज द कैपिटल लेटर. ठीक है. और ये हमेशा यही फॉलो करेगा भले ही वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो. अगर हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे हैं तो ये रूल्स जो यहाँ पे चार रूल्स लिखा गया है दिस विल बी फॉलोड. ठीक है. द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. अब अगर कुछ कुछ नोमेनक्लेचर में अगर ऑथर का नाम को भी हम लोग ऐड करना चाहें तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऐड किया जाता है. एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज रिटन एंड एब्रीविएटेड फॉर्म मैंजीफेरा इंडिका लिन LINN. It indicates that this species was first described by Linnaeus. ठीक है. Since it is Linnaeus के देखो first जो चार letter हैं उसको यहाँ पर जुड़ा गया है और L को capital में ही रखा गया है. Scientific and scientist के जो name है वो capital में ही रखा गया है. Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it this possible. This process is classification. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे classification. देखो अब तक तुम लोग diversify देख लिए हैं कि कैसे diversity होती है. तुम छोटे area में कितने सारे living organism को देखते हो. जैसे जैसे area बढ़ता है, region बढ़ता है, countries बढ़ती है, different देखते हैं. मतलब कुछ हमारे यहाँ पे रॉयल बेंगल टाइगर मिलता है, अब वो एंटार्क्टिका में तो नहीं मिलने वाला है, राइट. तो एरिया के ऊपर बेस करके भी बहुत ज़्यादा हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, राइट. जो चीज़ पहाड़ों में होती है वो चीज़ समुंदर के बगल में नहीं होता, राइट. तो ऑन दिस थिंग्स वी कैन सी, ये हम लोग डाइवर्सिटी देख लिए ऑलरेडी. अब हम लोग देखेंगे ये जो इतने सारे डाइवर्सिटी है उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे एक एक स्पीसीज़ का, भले ही वो प्लांट हो या एनिमल हो या कुछ भी हो, तो उसको हम लोग क्या देखते हैं कि एक कॉमन नाम दिया गया. साइंटिस्ट ने एक कॉमन नाम दिया गया, उसको बोला गया कि साइंटिफिक नेम. और उस साइंटिफिक नेम को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर देके. उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करके हम लोग उसके नोमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है, नेमिंग करते हैं. नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे इतने सारे डाइवर्सिटी में इतने सारे स्पीसीज है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा. ठीक है, उसको अलग से डिवीजन में डाला जाएगा, फिर उसका फैमिली होगी, जेनस होगी. तो ये क्या क्या चीज़ है वो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं. क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंट कैटेगरी में सारे स्पीसीज को रखते हैं और फिर उनके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके उनका कुछ ग्रुप फॉर्म करते हैं. फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास भी ये है तो ठीक है, तुम इसके साथ थोड़ा मिलते जुलते हो तो तुम इसके पास चले जाओ. ठीक है. तो हम लोग ऐसे करते भले ही वो रहते खुद के जैसे, ये हमारे ह्यूमन बींग्स का बनाया हुआ, मतलब खुद का ही कुछ उसको जो
प्रॉब्लम था उसको और ज़्यादा सुलझाने के लिए और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाया गया है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब सुझाव लाया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, वी ईजीली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। वॉट इमेज डू यू सी वेन यू थिंक ऑफ अ डॉग? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स, राइट? मतलब जब आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो डॉग ही सोचोगे, कैट नहीं सोचोगे। नाउ इफ यू वेट थिंक टू थिंक ऑफ एसोशियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट, राइट? सिमिलरली सपोज वी वेर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी, हेयर। Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, the picture in which our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plant. ये नॉर्मल सी बात है, गेहूँ को अगर सोचोगे तो गेहूँ ही आएगा ना दिमाग में, ऐसा तो नहीं आएगा कि कोई बैनियन ट्री आप सोच लिए, या तो फिर अगर कद्दू बोलेंगे तो कद्दू ही आएगा दिमाग में, आलू तो नहीं आने वाला है, राइट? तो हम लोग ये ऑलरेडी डिफाइन है, हम लोग बचपन से ये सब देख के आते हैं कि किसको कांदा बोला जाता है, किसको आलू बोला जाता है, किसको खीरा बोला जाता है, तो वी नो दैट कि कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है, इंसान कौन है। हैंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा, अनकन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। दिस साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। Here, you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. यहाँ पे एक गूगली जैसा लाइन लिखा गया है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की कोशिश किए हैं लेकिन मीनिंग सिंपल सा है, ठीक है। देखो, एनिमल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो मैमल्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, राइट? प्लांट्स एनिमल्स अलग अलग होते हैं, एनिमल्स के भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि डॉग्स भी एक अलग किस्म के एक जंतु को रिप्रेजेंट करता है, कैट भी एक अलग तरीके की ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन भी एक अलग तरीके की ऑर्गेनिज्म है, और मैमल्स ये सबको एक साथ लाता है। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, और ये जो एक एक कैटेगरी है, हम लोग किसी को मैमल बोल रहे हैं, किसी को प्लांट बोल रहे हैं, किसी को एनिमल बोल रहे हैं, किसी को कुत्ता बोल रहे हैं, किसी को बिल्ली बोल रहे हैं, तो ये जो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं ऑर्गेनिज्म को, ये एक एक कैटेगरी को टैक्सा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर वो चीज़, हर वो कैटेगरी जिससे हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, वो एक एक कैटेगरी ही यहाँ पे टैक्सा है, ठीक है। वो एनिमल भी एक टैक्सा है, प्लांट भी एक टैक्सा है, मैमल्स भी एक टैक्सा है, ठीक है, डॉग भी एक टैक्सा है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में है, लेवल डिफरेंट है, लेकिन कैटेगरी को ही हम लोग बेसिकली टैक्सा बोल रहे हैं, वो एक अलग सा नाम दिया गया है टैक्सा, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट टैक्सा। तो टैक्सा का मतलब क्या है? टैक्सा का मतलब है कि क्लासीफाई करना, ठीक है, सॉरी, टैक्सा का मतलब क्या है कि एक कैटेगरी को डिफाइन करना। कैटेगरी, तुम लोग जैसे कैटेगरी वर्ड यूज़ कर रहे हो क्लासिफिकेशन में, वैसे ही टैक्सा को यूज़ किया जा रहा है, वो वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये जो एक एक कैटेगरी को हम लोग टैक्सा बोल रहे हैं, तो इतने सारे टैक्सा की जो स्टडी होती है, जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं, ओके। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, और क्या क्या है? प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? एक होता है सेल, दूसरा है क्या? डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल आपका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है,
आपके पास सेल मेम्ब्रेन है या तो फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल एनवेलप भी है, आपके पास फ्लैजेला है, आपका राइबोसोम कैसा है, तो ऑल दिस थिंग्स आर कैटेगराइज्ड, ठीक है, कि सेल का जो हालचाल है वो कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है आपके पास, मतलब वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, विवीपेरस है, मतलब अलग अलग कुछ लार्वा निकालते हैं, मतलब ऑल दिस थिंग्स जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब कि वो पहाड़ में रहते हैं, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ऑल दीज आर, मतलब कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं, या फिर जंगल में रहते हैं या नदी के पार रहते हैं, तो ऑल दिस थिंग्स आर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि कैसे इकोलॉजी में वो लोग रहना पसंद करते हैं। तो सेल कैसा होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होगी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होगा ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ओके, हेंस कैटराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find source for their basic needs of food, clothing and shelter. Roti kapda makan. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of this publication. तो ये सब लाइन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हम लोग तो ऐसे मजे मजे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एक एक वर्ड में मीनिंग क्या है, समझाना कैसे चाह रहे हैं। मैं लाइटली आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जो यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसे कुछ पैराग्राफ इतना घुमा फिरा के, जैसे कि यहाँ पे आप ये जो पैराग्राफ देखे हैं, ये पैराग्राफ का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसका मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन इसको कोई, मतलब ये वर्ड्स के जाल में ऐसे फंसाए हैं कि कुछ कुछ चीज़ समझने में तकलीफ़ होती है, उसको डिटेल्स में, मतलब थोड़ा सा अगर इजी वे में आप समझा देते हैं तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए, राइट। तो दैट्स वाई ये जो लाइन्स है कि द वर्ड सिस्टेमेटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कभी कभी ऐसे टाइप के लाइन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। लीनियस यूज्ड द सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टेमेटिक्स टेक्स इंटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी बहुत अच्छा लाइन है कि सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टेमेटिक्स में हम लोग क्या देखते थे कि जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप है उसको भी मद्देनजर रखते हुए वो लोग काम किए थे। नाउ ये था डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, जो अलग अलग हम लोग क्या डाइवर्सिफाई करते हैं उसके बेसिस में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे नॉन लिविंग एंड लिविंग के बारे में, और फिर हम लोग देखें कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सा क्या होता है, इसका टैक्सा वर्ड का मतलब क्या होता है, और टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो टैक्सोनॉमी हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, तो इसके जो अलग अलग कैटेगरी, मतलब अभी तक मैंने बोल रहा था कि व्हाट इज़ टैक्सा, व्हाट इज़ कैटेगरीज, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो वही कैटेगरी को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। मैमल्स एक टैक्सा है, एनिमल्स एक टैक्सा है, डॉग टैक्सा है, तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, तो कैसे कैसे क्या क्या कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन के, कैसे हम लोग स्पीसीज को अलग अलग जगह में, मतलब अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। नाउ
टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में आता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन. ओके, सो द कैटेगरी, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक जो हायरार्की है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाता है. ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैक्सन. तो एक एक को हम लोग बोलते हैं टैक्सन, अगर प्लूरल हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सा. दैट्स इट. मतलब ये जो नाम यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सन अलग अलग दिया गया है, ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है. यह आप अगर नॉर्मल टर्म्स में अगर दिमाग में रहो तो उसी का मतलब आता है. ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरी है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. जैसे अलग अलग टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में उसको डिवाइड करें तो उसको हो जा रहा है क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. जैसे हम लोग अलग अलग हायरार्की में जो एक देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सारे कैटेगरी को लेके जो एक हायरार्की में डाल रहे हैं कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ये है क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. वैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और फिर एक एक जो कैटेगरी है, मैमल्स अलग है, एम्फीबियंस अलग है, ठीक है, रेप्टाइल्स अलग है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज है, या तो फिर स्नैक्स, डॉग्स, ऑल दिस थिंग्स आर टैक्सन. एक 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 को सिंगुलर हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सन. और अगर प्लूरल में हुआ तो टैक्सन. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon, in fact, represent a unit of classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species. So taxonomical studies, सारे जो जितने सारे 1.7 टू 1.8 बिलियन के जो रेंज के स्पीसीज हम लोगों को नोन है, उस नोन ऑर्गेनिज्म को एक कॉमन कैटेगरी में डाला गया है और उस कॉमन कैटेगरी में एक हायरार्की के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्या, किंगडम, फाइलम और डिवीजन. इसके साथ फाइलम होता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, फाइलम इज़ फॉर एनिमल. ठीक है, फाइलम क्यों यूज़ होता है, एनिमल के लिए. और डिवीजन क्यों यूज होता है, डिवीजन यूज होता है फॉर प्लांट्स. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी. तो भले ही वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबसे नीचे स्पीसीज है. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. The basic requirement is knowledge of characters of an individual or group of organisms. तो कैसे हम लोग पता करेंगे characters of an individual group of organisms? ठीक है, तो पहले ही हम लोग देखे हैं कि किस चीज़ के ऊपर बेस करके किया जाता है. एक है सेल, दूसरा है क्या, डेवलपमेंटल प्रोसेस, और तीसरा है क्या, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस. ठीक है, इकोलॉजिकल जो उनका पॉइंट्स है उसके ऊपर बेस करके. लेकिन सिर्फ इन तीनों में से डिवाइड नहीं किया जाता है, और भी चीज़ है जिससे उसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कैसे वो डिवाइड किया जाता है. ठीक है, नाउ दिस बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल्स of the same kind of organism as well as the other kinds of organisms. Species,
टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ अ स्पीसीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। मतलब ऊपर से देख के ही पता चलता है, उसके लिए आपको सेल के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर से देख के पता चलेगा कि हाँ ये दिखने में कैसा है, वो दिखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस करके हम लोग उसको डिफाइन, मतलब अलग अलग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका सोलानम ट्यूबरसम। अब देखो ये सब तो आप मतलब देख के पता चलेगा ना कि आम आम के लिए तो आप जाके सेल के अंदर जाके या तो फिर उसको बहुत ज़्यादा कुछ करके फिर देखना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप प्रोटीन देख रहे हैं क्या कौन सा है, डीएनए देख रहे हैं कौन सा है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। आम को देख के पता चलेगा कि वो आम है, अमरूद को देख के पता चलेगा कि वो अमरूद है, तो दीज आर नॉर्मल थिंग्स। तो मैंजीफेरा इंडिका सोलानम ट्यूबरसम दैट इज पोटैटो, पैंथेरा लियो लायन, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरसम and Leo represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon or category. तो ये जो है indica, indica tuberosum and Leo, these three are basically the specific epithet as we have already studied, right? कि ये indica ट्यूबरसम और लियो, ये तीन क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये स्पीसीज जो है ये एकदम लास्ट कैटेगरी में आता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके, ऑलरेडी जानते हैं मतलब कुछ देर पहले पढ़े हैं। इसके बाद जो आता है ये मैंजीफेरा सोलेनम और पैंथेरा, दीज आर डिफरेंट जेनस, राइट। और ये डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा में आता है, ये मैंजीफेरा सोलानम एंड पैंथेरा आर डिफरेंट जॉनरा एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि स्पीसीज आया, पहले देख रहे हैं कि स्पीसीज आया, स्पीसीज आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जीनस आ रहा है। तो कैसे ये जा रहा है, स्पीसीज, इसके बाद एक हायर कैटेगरी जा रही है, हायर कैटेगरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, जीनस, ओके। तो जीनस देख रहे हैं हायर कैटेगरी में, इसके बाद और भी ज़्यादा जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो फिर और ज़्यादा ज़्यादा हायर कैटेगरी के बारे में पता चलेगा। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ another specific epithet called tigris and solanum includes species like nigrum and melongena. Human beings belong to the species sapiens which is grouped in the genus homo. The scientific name thus human being is written as homo sapiens. So panthera jo hai wo ek genus hai aur ye jo genus hai iske under species hota hai. स्पीसीज क्या था, टाइग्रिस था, ठीक है, लियो था, हम लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन पैंथेरा के अंदर और भी सारे स्पीसीज होते हैं, उनके कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसीलिए उसको एक जीनस में डाला गया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पैंथेरा, ठीक है। तो इसके अंदर, ये पैंथेरा के अंदर, दिस द पैंथेरा, ठीक है, ये पैंथेरा के अंदर और भी, पैंथेरा के अंदर एक था क्या, लियो, दूसरा और एक हम लोग को पता चला क्या, टाइग्रिस, है ना, टाइग्रिस के बारे में पता चला। तो दीज आर डिफरेंट, सिर्फ ये लियो और टाइग्रिस नहीं है, और भी स्पीसीज है। तो पैंथेरा कंजिस्ट करता है, पैंथेरा खुद एक जीनस है और उसके अंडर में ये लियो, टाइग्रिस, ऑल दीज आर स्पेसिफिक स्पीसीज, ठीक है, और एक एक स्पीसीज का अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये लियो, टाइग्रिस, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए हम लोग इसको पैंथेरा जीनस के अंदर लाए हैं, ओके। तो
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जीनस। जीनस में हम लोग क्या देखेंगे, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जॉनरा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है कि जीनस एक ग्रुप को रिलेट करता है और वो ग्रुप क्या करता है, हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज। वी कैन से दैट जॉनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलनम। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइग्रस पैंथेरा टाइग्रीस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनादर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। हुआ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्पीसीज मतलब दो अलग अलग स्पीसीज में जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि जीनस में हम लोग जाते हैं, तो पैंथेरा के अंदर जो लियो पार्डस टाइग्रिस ऑल दिस स्पीसीज अगर एक साथ लाते हैं तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आता है जिसके लिए हम लोग उसको पैंथेरा के अंदर लाते हैं, राइट। और जैसे कि पैंथेरा के साथ एक अलग एक जीनस भी होता है जिसको हम लोग फेलिस बोलते हैं, और ये फेलिस किसको इंक्लूड करता है, कैट्स को इंक्लूड करता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं फैमिली। तो स्पीसीज था, स्पीसीज के ऊपर जीनस आया, जीनस के ऊपर कौन आ रहा है, फैमिली आ रही है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड जॉनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है कि देखो, एक स्पीसीज था, स्पीसीज के ऊपर जीनस था, इसके बाद आ रहा है क्या, फैमिली। तो पैंथेरा में लियो और टाइग्रिस आ रहा है और पैंथेरा खुद एक जीनस है, ओके। और इसी के जैसे फेलिस भी एक जीनस है, राइट, फेलिस भी एक जीनस है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कैट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लियो और टाइग्रिस के बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिसलिए पैंथेरा को, पैंथेरा के अंदर वो स्पीसीज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैंथेरा और फेलिस इन दोनों के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या लियो और टाइगर के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा? मतलब इन दोनों में ये जो लियो है और लियो और टाइग्रिस में जितने सिमिलरिटीज़ है, सपोज़ इनमें जितने सिमिलरिटीज़ है, सपोज़ चार सिमिलरिटीज़ दिख रहा है इसमें, तो पैंथेरा और फेलिस के नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम होगा या ज़्यादा होगा? ठीक है, चार नहीं लिखते हैं, 14 लिखते हैं, ठीक है, सपोज 14 है, ठीक है। तो पैंथेरा और लियो का नंबर ऑफ जो सिमिलरिटीज है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप में हैं ऑलरेडी पैंथेरा में, ठीक है। लेकिन पैंथेरा के अंदर जो ग्रुप्स हैं और फेलिस के अंदर जो स्पीसीज है, इनके टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक है और पैंथेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बहुत कम होंगे, सपोज दिस इज 10, ठीक है। इसके बाद जैसे वो फैमिली में जाएंगे, ठीक है, सपोज इसके ऊपर और भी है, फैमिली में जा रहे हैं, तो फैमिली में जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के अंदर जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलर वर्ड को याद रखना, सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, और ज़्यादा कम होगा, राइट। तो जितना हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, जैसे ऊपर जाते जाते हम लोग किंगडम तक पहुंचेंगे, देखेंगे कि नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कम होता जाता है, और जैसे एंड वाइस वर्सा, क्योंकि जैसे हम लोग किंगडम से लेके जैसे फिर फाइलम एंड ऑल सब नीचे आते रहते हैं स्पीसीज तक, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती रहती है, ओके। तो फैमिली में हम लोग क्या देख रहे हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। एमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जॉनरा सोलनम पिटूनिया डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलनेसी।
Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along genus Felis is the family Felidae. Similarly, if you observe the feature of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, that is Felidae and Canidae. यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट फैमिली के बीच में हम लोग देख रहे हैं. तो टाइगर और लायन के बीच में जो सिमिलरिटीज था, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, कैट और डॉग के बीच में नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम होता है ना, राइट. टाइगर और लायन के बीच में या तो फिर टाइगर और लेपर्ड के बीच में जितना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है, उतना ज़्यादा सिमिलरिटीज तो हम लोग कैट और डॉग के बीच में तो नहीं देखते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, जैसे कि सेम स्पीसीज के टाइम में सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फैमिली की तरफ आ गया, फेलिडी कैनिडी में रिस्पेक्टिवली दो अलग अलग, जैसे कि कैट और डॉग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो अलग अलग फैमिली में नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम होती जा रही है. इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्डर. ऑर्डर में क्या है, फैमिली के बाद आ रहा है, फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जॉनर इंक्लूडेड इन द फैमिली. प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवोल्विलेसी एंड सोलेनेसी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स. द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी. तो हम लोग देखे ऑलरेडी कि फेलिडी और कैनिडी के बीच में कुछ ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक थे, उन दोनों को ले लिए एक फैमिली में, उसका नाम दिया गया कार्निवोरा. सेम तरीके से इन तीनों को लिए हैं एक ऑर्डर में, ठीक है. ये दोनों फैमिली को लिए हैं एक ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कुछ कैरेक्टरिस्टिक था, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था. और इन तीनों को लिए हैं सेम ऑर्डर में, क्योंकि इन दोनों तीनों के बीच में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था. तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कमती जा रही है. क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड टू ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा. इट इंक्लूड्स दैट एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैसेज, दैट इज फाइलम. क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा. इन द केस ऑफ प्लांट्स, तो हम लोग जैसे एनिमल किंगडम बढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में हम लोग देखेंगे कितने सारे फाइलम्स प्रेजेंट है, कैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में एक एक फाइलम को डिवाइड किया जा रहा है दूसरे से, उसके अलग अलग, जैसे कि हम लोग कॉर्डाटा में देखेंगे कि अलग ऑर्डर, फैमिली, ग्रुप, स्पीसीज कैसे डिवाइड हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. तो एनिमल्स के लिए क्या हो रहा है, फाइलम, और प्लांट्स के लिए डिवीजन. तो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में लेफ्ट साइड में एक डिवीजन किया, एक कैटेगराइज किया गया है, जैसे करके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ जैसे जा रहा है, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर की तरफ जैसे जाएगा किंगडम, मतलब स्पीसीज से लेकर किंगडम तक जैसे जाएगा, किंगडम तक जाते जाते क्या हो रहा है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कमती जाती है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कमती जाती है, ठीक है, डिक्रीजेस. और जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब किंगडम से लेके अगर, नहीं, नॉट दिस वन, ओके, सो किंगडम से लेके जैसे ये स्पीसीज की तरफ जा रहा है, ठीक है, या तो फिर और भी थोड़ा, हाँ,
तो जैसे ये स्पीसीज की तरफ जा रहा है, इसकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, राइट। तो ये तो हम लोग एक प्रैक्टिकली भी समझ लिए हैं कि कैसे कैसे वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो रहा है या तो फिर इंक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, एंड द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। हैंस फोर्थ वी विल रेफर टू दीज ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद अ स्पीसीज कॉल्ड स्पीसीज। These are broad categories. However, the taxonomic have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and specific placement of various taxa. तो ये कुछ सालों बाद बाद ये बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज भी होता जाता है, मतलब कैटेगरीज चेंज होती जाती है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ उसका भी इवोल्यूशन होता रहता है। ओके तो हम लोग को उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग को मास्टर्स या पीएचडी नहीं करनी है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है। लुक एट द हायरार्की हम लोग देख लिए हैं, एंड फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन। देखो ये एनसीईआरटी में ना सेम लाइन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो मैं भी आपको सेम लाइन बहुत बार रिपीट करके आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वी कैन नॉट इग्नोर द लाइन्स, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ बोला है कि ऊपर की तरफ जब जाएगा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक कमते जाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ मतलब किंगडम से जैसे स्पीसीज की तरफ आएगा उसकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ती जाएगी। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ओके नाउ इस गौर से देखिए इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की टेबल को। आपको अगर नींद से भी उठाया जाए, ठीक है, और अगर पूछा जाए कि क्या लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी के हर वो टेबल, हर वो पिक्चर, हर वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैन बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे लिखा गया है दैट इज़ होमो सेपियंस, जीनस क्या है होमो, और स्पीसीज आपको पता है सेपियंस है स्पेसिफिक एपिथेट, फैमिली क्या है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, फाइलम और डिवीजन क्या है, बेसिकली फाइलम होगा क्योंकि ये एनिमल है, राइट, तो कॉर्डाटा होगा। हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका, मस्का इज द जीनस, एंड मुसीडी इज फैमिली, डिप्टेरा इज द ऑर्डर, इंसेक्टा इज द क्लास, एंड फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। मैंजीफेरा इंडिका इसका डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म, डाइकोटाइलिडन क्लास है, डाइकॉट्स होता है, अब डाइकॉट क्या है, मोनोकॉट क्या है, वी विल लर्न नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे आएगा बढ़ेगा। इसके बाद मैंजीफेरा होता है जीनस, एंड देन वीट में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिटिकम एस्ट्रिवम, ट्रिटिकम इज द जीनस, पोएसी इज द फैमिली, पोएल्स इज द ऑर्डर, एंड मोनोकोटाइलिडन्स, तो डाइकॉट हो गया, एक मोनोकॉट का भी एग्जाम्पल दे दिए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एंजियोस्पर्म। तो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे समझने का कुछ है नहीं, ठीक है, यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स, क्योंकि फैक्ट्स को तो समझाना इज नॉट पॉसिबल, मतलब उसका जो कैटेगरीज है हम लोग पढ़ लिए ऑलरेडी। नाउ अब आता है टैक्सोनॉमिक एड्स। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैसे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, डिवीजन क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, फाइलम डिवीजन वट एवर, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, वी हैव लर्न दैट, राइट। अब हम लोग इतने सारे बिलियंस में जो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मिला है, अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को याद रखना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे, राइट। तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज़ करते हैं ताकि यू नो उस वेरियस स्पीसीज को हम लोग स्टडी कर पाए, ठीक है, उनके जो कैटेगरीज है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको स्टडी कर पाए, और फिर
पूरे बिहेवियर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके जो डेवलपमेंट, उसके जो सेल स्ट्रक्चर है, सब कुछ स्टडी करने के बाद फिर हम लोग उनको एक प्रॉपर सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डाल पाए. ओके, सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज, प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स बेसिकली टैक्सोनॉमिकल स्टडीज क्या होता है कि एक एक अलग अलग जो प्लांट, एनिमल, अदर जो स्पीसीज हैं उनके बिहेवियर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको स्टडी करना. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ भी चीज़ के लिए, मतलब एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, क्योंकि वो कुछ चीज़ एक्सक्रीट करते हैं या तो फिर कुछ सिंथेसाइज करते हैं. तो वो अगर हम लोगों को पता चलता है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होते हैं. कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि हम लोगों को हार्म करता है, तो वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भला कर रहा है और आपका जो बुरा कर रहा है दोनों ही पता होना चाहिए ना, वरना आप खुद को कैसे खुद के नुकसान से बचाओगे. सो दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen. Some of these are explained to help you to understand the usage of these aids. अब आते हैं अलग अलग जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए. सो हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है? हम लोग बहुत सारे बच्चे स्कूल में हर्बेरियम बनाए भी हैं, ठीक है, मतलब उसके थोड़ा ऐसे कि हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट हुआ करता था तो वो शीट्स बनाने पड़ते थे, प्रोजेक्ट के लिए ही बनाना पड़ता था. कुछ प्लांट्स के वो लीफ वगैरह लेके उसको अलग से चिपका के बहुत कुछ करके फिर बनाना पड़ता, सुखा के फिर वो बनाना पड़ता था. सो बहुत बचपन में बनाए थे. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ हर्बेरियम. हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. पहले ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर प्रिजर्व करेंगे. तो इसका कभी कभी आपको सिक्वेंस पूछता है. तो पहले प्रिजर्व नहीं करना है, पहले आपको ड्राई करना है, सुखाना है, ठीक है, उसकी जो वेट जो चीज़ है वो निकालना है. सिर्फ ड्राई वेट को आपको रखना है और ड्राई करके उसके बाद प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद फिर आपको उसको प्रिजर्व करना है शीट्स में. नाउ फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली accepted systems of classification. These specimens along with their descriptions on herbarium sheets become storehouse or depository for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about the date, place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. तो क्या क्या रहता है वहाँ पे? Date रहता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन रहता है, इंग्लिश में उसका नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, मतलब लोकल मतलब कॉमन नेम क्या है, आसपास की आस पड़ोस के लोग उसको क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, बोटैनिकल नेम क्या है, मतलब जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है. तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके बाद देखो, पोटैटो को हम लोग पोटैटो ही बोलते हैं, राइट, दैट इज द इंग्लिश नेम, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम अलग है, तो वो हो गया बोटैनिकल नेम. और आलू लोकल नेम है, तो आलू भी लिखना है, पोटैटो भी लिखना है और उसका बोटैनिकल नेम भी लिखना है. वो कौन सी फैमिली से आता है वो भी लिखना है, कलेक्टर्स का नाम, किसने कलेक्ट किया है और किसने उसको चिपकाया है वो भी लिखना है, एट्सेट्रा, ऑल दिस थिंग. अच्छा, कहाँ से आपको मिला है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ आप कलेक्ट किए हैं, आप ही कलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लिखना है, और किस डेट में किस टाइम में कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लिखना है, एट्सेट्रा. हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. हो क्या ये हर्बेरियम शीट्स के बारे में. अब देखते हैं बोटैनिकल गार्डन्स. बहुत सारे
आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो बोटैनिकल गार्डन कभी कभी घूमने भी गए हैं, तो दीज स्पेशलाइज गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अभी हम लोग हर्बेरियम में क्या कर रहे थे, ड्राई कर रहे थे, तो ड्राई हो रहा है तो वहाँ पे और कुछ लिविंग रह नहीं रहा है, राइट? उसको ड्राई करके फिर आप पेस्ट प्रेस करके फिर आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, लिविंग प्लांट को ही रेफरेंस के लिए रखा जाता है, मतलब वहाँ पे ही वो प्लांट ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है सालों साल, बहुत सारे मतलब सदियों से वो वहीं पे है। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। द फेमस बोटैनिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिकल गार्डन दैट इज इन हावड़ा इंडिया, एट नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। तो इंडिया का ही दो नाम है, एक है इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा कोलकाता में है, और है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज़ इन लखनऊ, और दूसरा है क्या, क्यू इंग्लैंड में। नाउ म्यूजियम, हम लोग म्यूजियम में क्या देख रहे हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है? तो वो सालों साल वैसे करके नहीं रहता है, कोई भी चीज़ नहीं रहता है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है और धीरे धीरे वो सड़ जाता है बेसिकली, मतलब एकदम नॉर्मल सी भाषा में बोलो तो सड़ जाता है। दैट्स वाई खाने में भी जो पैकेज्ड फूड होता है वहाँ भी प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो यहाँ पे भी जो स्पेसिमेंस होते हैं वहाँ पे भी उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या, वही केमिकल यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिजर्वेटिव्स, राइट? स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशंस, जो केमिकल सॉल्यूशंस, उसको प्रिजर्व करके सेम जैसा है वैसा ही रखने की कोशिश किया जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। अब यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है, पहले कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पिन करते हैं, ठीक है? ये सीक्वेंस एक्चुअली पूछते हैं, दैट्स व्हाई ए बी सी करके लिख देंगे, फिर उसको सीक्वेंस में डालने के लिए बोलेंगे। तो कलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसको किल करेंगे, फिर उसको पिन करेंगे। नाउ लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो जो लार्ज एनिमल्स है उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। तो कुछ कुछ म्यूजियम्स में, बड़े बड़े जो म्यूजियम्स हैं, अगर आप म्यूजियम विजिट किए हैं तो आपको ये तो एकदम नॉर्मली लगेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी देखे हैं कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे सॉल्यूशन के अंदर होता है वो सब चीज़। हाँ, अगर ऐसे भी कुछ म्यूजियम होते हैं कि वो प्रिजर्वेटिव जो सॉल्यूशन को डाले हैं उसको डाल के भूल गए हैं, तो उसको कभी कभी मतलब रिफ्रेश ऐसा करना पड़ता है। नाउ लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो अगर लार्ज कुछ एनिमल्स को रखा गया है, उनको प्रिजर्व किया गया है, तो उसको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जूलॉजिकल पार्ट। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन सम जूलॉजिकल पार्क बचपन में। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. तो ये इंसान का ही केयर में रहते हैं, उनको अलग से छोड़ा नहीं जाता है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट के अंदर रखते हैं इनको, और इनके फूड हैबिट्स को लर्न करते हैं, और इनको एक्चुअली प्रॉपर खाना वगैरह केयर सब कुछ किया जाता है, ठीक है? इनको मतलब खुद के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है, इनको केयर किया जाता है और इनको वैसा ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि ये सुस्त रहे, स्वस्थ रहे सब कुछ। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो वो जिस जगह में, जिस एनवायरनमेंट में उनको एक्चुअली मिला था, या तो फिर वो जिस एनवायरनमेंट पे रहने के लिए कंफर्टेबल है, उसी एनवायरनमेंट को
मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोवाइड किया जाता है, मतलब करने की कोशिश करते हैं. ओके, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड एज जू. तो जूलॉजिकल पार्क को जू बोलते हैं. इसके बाद आता है की. की इज अनादर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस. दो ऑपोजिट ऑप्शन के बीच में आपको चूज करना है. की इज अनादर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके. मतलब आपके पास एक स्पीसीज दिया जाता है, ठीक है, और ये स्पीसीज देने के बाद आपको पूछा जाता है, दो लाइन रहती है और वहाँ पे एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो आपको सिमिलर और डिसिमिलरिटी के बेसिस में आपको दो ऑप्शन के बीच में आपको चूज करना है. और चूज करने के बाद फिर आपको देखना है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है, मतलब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी में ये स्पीसीज बैठ रहा है या नहीं, ठीक है. तो इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस. दो ऑपोजिट ऑप्शन के बीच में आपको चूज करना है जो कि इस स्पीसीज से मिलता है. दिस मिलता है मतलब सिमिलर होती है. दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. तो ऑब्वियसली दो अगर ऑपोजिट चीज़ है, मतलब ये बहुत ही घुमा के लिखे हैं लेकिन वट एवर, तो दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया गया है जो कि इस स्पीसीज से मिलता है, ठीक है, और एक नहीं मिलता है. मतलब ये जो स्पीसीज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये स्पीसीज के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगा और ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिसिमिलर होगा. तो ये दोनों में से आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप चूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो डिसिमिलर है उसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन. मतलब आप अगर सिमिलर को चूज कर रहे हैं तो ये हुआ आपका एक्सेप्टेंस ऑफ वन सिमिलर कैरेक्टर एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. ऑब्वियसली एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा को तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं, है ना. ई स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. अब लीड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्पीसीज आप देख रहे हैं, ठीक है, सपोज इसका रंग लाल है. यहाँ पे लिखा गया है कि इसका नाम, इसका रंग लाल है, इसका रंग पीला है. तो आप देख रहे हैं कि इसका रंग तो लाल ही है, तो आप लाल को ही क्लिक कर रहे हैं. तो एक फूल है जैसे कि लाल है. अब ये अगर लाल है तो ठीक है, आप अगर सपोज 25 नंबर पेज में जाके आप देखो कि लाल के ऊपर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा. तो पहली दफ़ा आप जिस कैटेगरी के थ्रू आप डिफाइन कर रहे हैं, मतलब पहले आपको जहाँ से एक दिशा मिल रही है कि हम लाल की तरफ जाए या पीले की तरफ जाए, तो यहाँ एक लीड मिल रहा है. तो जैसे आप यहाँ से जाके नेक्स्ट कैरेक्टर में, जैसे कि दूसरे पन्ने में जाके, जैसे कि नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढेंगे कि अच्छा भाई अगर एक लाल है तो लाल के ऊपर क्या क्या कैटेगरीज आती है लाल फूल के, तो उस कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में ये स्पीसीज हमारा बैठता है. तो ये जब आप ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पे भी एक लीड मिला, है ना. तो हम लोग तो बहुत सारे तो ऐसे रॉ फैमिली मैन ये सब तो देखे हैं, तो वी नो दैट कि वट डज लीड मीन, राइट, कि आपको एक संकेत मिला है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है. या तो फिर आपको कुछ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, कि आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गया है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है. सपोज आतंकवादी राजस्थान में है तो ऑब्वियसली आप कोलकाता में नहीं आएंगे ना. आपको कहीं से अगर लीड मिला है कि राजस्थान में है वो छुपा हुआ, तो आप राजस्थान ही जाएंगे क्योंकि आपको वो लीड मिल गया है. तो आप एक चीज, एक दिशा को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दिशा को आप रिजेक्ट कर रहे हैं. कोलकाता को रिजेक्ट कर रहे हैं, राजस्थान को एक्सेप्ट कर रहे हैं. आप राजस्थान में जाके पूरे राजस्थान में तो नहीं ढूंढेंगे, राजस्थान में जाके कुछ स्पेसिफिक जगह होगा जहाँ पे आपको मिलेगा वो, राइट. तो वैसे करके एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बाद ये लाल के बाद कहीं और जाके मिलेगा कि हाँ ये इसके अंदर इतने सारे पंखुड़ियाँ हैं वगैरह वगैरह. तो ये डिपेंड करता है, एक एक जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज लीड, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से एक दिशा मिल रही है. नाउ सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस,
species for identification purposes. Keys are generally analytical in nature. ओके क्योंकि कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर क्यों होता है, क्योंकि एनालिसिस कर रहा है, एनालाइज करके आपको बोल रहा है कि आप कहाँ पे जाओ कहाँ पे ना जाओ. दीज आर द लीड्स, दैट्स वाई. फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर नेम्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस. तो ये अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इन द सेंस अलग अलग टाइप्स होता है, कैटलॉग, मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा. All these are different names for recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. ठीक है, तो एक actual account होता है flora. Flora में क्या होता है basically, एक habitat का मतलब suppose कोई species दिया गया है तो species कौन से habitat में हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस उसके कौन से इलाका में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कौन से इलाका में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर. सो दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया. These provide the index of the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. So, manuals kya hota hai? This is useful for providing information for identification names of a species found in an area. To hum log यहाँ पे जो फ्लोरा है, फ्लोरा में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लोरा इज बेसिकली उसके हैबिटेट बताता है उस स्पीसीज का, और उसका जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है कोई पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, सपोज बोला गया है कि आसनसोल एक एरिया है और आसनसोल में ये पर्टिकुलर आलू का जो पौधा है उस पौधे को, उस पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, वो आप बताओ और इसका हैबिटेट क्या है. तो ये आपको फ्लोरा से पता चलेगा कि एक एक एरिया का क्या फ्लोरा है. फिर अब जब मैनुअल में आप जाओगे तो वहाँ पे दिखा रहा है कि यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. अब एक पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज के जो आइडेंटिफिकेशन है उसको बताता है मैनुअल. एंड मोनोग्राफ क्या करता है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन. तो एक पर्टिकुलर एक टैक्सन के ऊपर इन्फॉर्मेशन देना मोनोग्राफ का काम है. मतलब उस मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर कोई टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होते हैं. तो ये हो गया पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी लिविंग वर्ल्ड ख़त्म. ठीक है, और ये पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेके आएंगे, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ एक बीच में वीडियो आएगा जो कि आपको इसके जो प्रैक्टिस पेपर्स है उसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. और कुछ भी डाउट होगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियोस देखते रहिए क्योंकि मैं पूरे ही ख़त्म करने वाली हूँ नीट के पहले. ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.